A very, very warm good evening, my dear children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotonic, I welcome you all to another super amazing, absolutely awesome class of dietary absorption lecture number 2 for the 11th board and NEET. How are you doing? Good, good, good evening. Kaise ho sab log? Elementary Canal ka part 2 aaj shuru hone wala hai with a proper feel of becoming a doctor. Yes, so wishing you all a very warm welcome once again in my class, and let's get started. Aaj hum stomach aur intestine tak sab kuch ekdam crystal clear concepts kar denge. Let's get started. This small humble journey which begins from this baby channel of Vedantu called Vedantu Biotonic, jisne 3 lakh se zyada subscribers kar liye hain in just about 7 to 8 months. This journey of changing your life, of changing my life by changing your life and changing the nation, one classroom at a time, has just begun. Yes, no kids? चलिए शुरू करते हैं आज की super amazing class. Next class जो आपके सामने आने वाली है वो एक बहुत important class on Griffith's experiment. And I can promise you कि अगर आपने वो class लगा ली, never ever in your life will you ever have a problem on Griffith's experiment जिसपे 110% questions आते हैं. तो वो class होगी हमारे molecular basis of inheritance की. And I promise it to you कि हम बड़ी ज़्यादा amazing class लेने वाले हैं. उसके बाद कल सुबह for my dear NEET aspirants, NEET 2020 वाले aspirants, जो आज सुबह टेस्ट के लिए लेट आए थे, I think थोड़ा सा miscommunication हो गया था, that's okay. उनके लिए plant physiology का mega lecture आएगा. Yes, so we're going to be starting plant physiology in tomorrow's lecture. But 2022, आप मेरे नए favourite बच्चे बन चुके हो, because I can really see that जोश in you. जो जोश होता है ना 10th के बाद कुछ करने का, पढ़ाई करने का, वो जोश मुझे आपके बैच में रियली नजर आता है. एंड फॉर यू वानी मैम एंड वी बायोटॉनिक इज ड्यूटी बाउंड, मतलब हम आपको कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते. यस एवरीबॉडी, तो ये आपके लिए एनिमल किंगडम मैंने खत्म करा दिए. मुझे पता है छोटे मोटे डाउट्स आ रहे होंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट टू रीड योर कमेंट्स. 2022 बता दो. यस है ना, 2022 एंड 2020 आपको छोटे छोटे एनिमल किंगडम के डाउट्स आ रहे होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं पूरे चैप्टर का आपको साइनॉप्सिस दूंगी. दैट्स योर वी बायोटॉनिक स्पेशल साइनॉप्सिस जो कोई भी यूट्यूब में नहीं दे रहा है. नोबडी इज डूइंग दैट ऑन यूट्यूब. फिर मैं आपको फ्लो चार्ट से एक बार चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, एमसीक्यूज दूंगी और एमसीक्यूज की ग्रेडिंग करूंगी. सो दिस इज हैपनिंग टुमारो. एंड 12th आपके लिए भी है कल 9 बजे और कल शाम को 5 बजे. चलिए इसी के साथ हमारी क्लास शुरू करते हैं. बट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम ग्रुप पे यू कैन स्टे इन टच विद योर टीचर, यू कैन टॉक टू योर टीचर, आस्क योर डाउट्स टू योर टीचर. यस ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर. सो वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक का टेलीग्राम ग्रुप है जो जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स बायोलॉजी इज वी बायोटॉनिक. मेक श्योर यू लाइक, यू शेयर एंड सब्सक्राइब. ये तो लव अभी मुझे दिख जाना चाहिए. चलो ऑन माई स्क्रीन गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब. यस, और कल से रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. मुझे अभी आई वॉन्ट दैट एनर्जी बैक फ्रॉम माई क्लास. आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन इन माई क्लास टू मेक श्योर दैट यू लाइक, यू शेयर एंड यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और ये रहा हमारा वॉल ऑफ फेम. ये वो वॉल ऑफ फेम है जहां पर आकर आप एक बार आ गए तो आप डॉक्टर बन के निकलोगे. Yes, when you've come here, we will make sure that we push you and we make you fly and we make sure that you achieve your dreams just like all of these kids did. हमारे पास बहुत amazing content है. Class के बाद जाइएगा, description box में click कीजिएगा content वाले link पे, यहाँ आकर PDF download करके एक file में save कर लीजिएगा. Class शुरू करते हैं. Class के बाद mentee quiz होगा, तो दिल थाम के बैठिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टेंशन मत लीजिए. मेंटी मेंटी मत बोलिएगा, मेंटी पे सेंटी मत होइएगा. शुरू करें कल से भी बढ़िया क्लास. यस एवरीबडी, शुरू करते हैं बहुत अमेजिंग क्लास. यस वन ब्यूटिफुल क्लास जो कि प्रिंट हो जाए आपके दिमाग पे. राइट, मेंटी मेंटी मत करिएगा, पढ़ते हैं जोश से, मन से, दिलो जान से, जितना होगा उतना पढ़ते हैं. मैं हमेशा ये नहीं कहती कि आज जितनी स्लाइड में बना के लाई हूँ खत्म करेंगे, ऐसा फील से पढ़ते हैं यार. मैं फील से पढ़ाती हूँ, आप फील से पढ़ते चलो, जितनी स्लाइड होंगी देखा जाएगा. यस एवरीबडी डन. नहीं नहीं आज तो ये स्लाइड्स खत्म करानी है, सिलेबस खत्म कराने में समझाना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है. राइट, अपने आप सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्या कहते हो? चलो तो फील लेते हैं और पढ़ते हैं.
तो कल हमने जितना लर्निंग आउटकम डिफाइन किया था, मैंने ईसोवेगस तक आपको कराना था बट हमने डेंटिशन पे रोक दिया था। तो आज का लर्निंग आउटकम डिफाइन करते हैं और उसको पढ़ते चले जाएंगे। अगर लार्ज इंटेस्टाइन हुआ तो अच्छी बात है, वरना जहां पे रुक गए वहीं पर रुक जाएंगे, पर समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड, वी विल एंजॉय द क्लास, वी विल मेक द क्लास गो इन टू आर सबकॉन्शियस, राइट। चलिए, सो डेंटिशन आज का मेन लर्निंग आउटकम है, बिकॉज डायफियोडोंट, थीकोडोंट, एक्रोडोंट, पॉलीफायोडोंट क्वेश्चंस आते हैं। सो आई विल टेल यू, और इस पे मैं केस हिस्ट्री भी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। नेक्स्ट विल बी योर फैरिंक्स, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसपे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ईसोफेगस पे आज सुबह हमने एक क्वेश्चन किया है जो 2020 बैच वाले उनको पता होगा, बिकॉज ईसोफेगस के पास ग्लैंड्स नहीं होते, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमारा बहुत मेजर लर्निंग आउटकम है वो। स्टमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डेफिनेटली हम फिनिश करेंगे, व्हाट आर द वेरियस सेल्स, कैसा दिखता है स्टमक, एंड देन मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। यू विल नोटिस कि जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जब से स्टार्ट कर रही हूँ, माई एम्फेसिस, माई आउटलुक हैज चेंज्ड। आई वॉन्ट टू गो इन टू डेप्थ्स, I want to take it slow and steady. I want you to understand, because this is very, very important. This is a very important topic. So I want you to pay a lot of attention and enjoy your studies. Because bina enjoyment ke kya fayda? Feel karke padhte hain. To aa jao dentition pe. What you see when anybody smiles, that white colored stuff are your teeth, and they are covered by the world's or the body's most hardest substance known as the enamel. So the outermost covering of the tooth is the hardest substance ever known. That's called the enamel. So we have teeth. The nature and mode of arrangement of teeth. Kaise daant hain? एक बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, आते ही चले जाते हैं, पंच मार के किसी ने तोड़ दिया, दोबारा नहीं आते। क्यों नहीं आते अगर दोबारा नहीं आते? व्हाट इज द नेचर एंड द मोड ऑफ अरेंजमेंट, कैसे अरेंज हुए हैं? क्या वो बोन के अंदर है, क्या वो बोन के ऊपर लगे हुए हैं, व्हाट टाइप, क्या सारे शार्प है, क्या शेप अलग अलग है, व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड एज द डेंटिशन। यस एवरीबॉडी, टाइप्स ऑफ टीथ, थी को डॉट, मतलब अगर आपने किसी का मैंडिबल कभी देखा है, जैसे काश मैंने अपना मैंडिबल रखा होता, मैं अपने जूनियर को दिया थी कॉलेज में, लेट मी सी इफ आई कैन गेट इट बैक फॉर यू एंड आई विल बी एबल टू शो यू। सो दिस बोन इज कॉल्ड द मैंडिबल, इस बोन को कहते हैं मैक्सिला, इस बोन के अंदर टूथ लगे होते हैं। सो द टीथ आर इन द मैंडिबल, कैन यू सी दैट, इन द जॉ बोन, ये बाहर बोन है, दिस आउटसाइड इज कॉल्ड द बोन, इट इज इन साइड द बोन, it is inside the bone, it means the teeth are placed in the jaw sockets. Is it clear? They are in the bones, they are in the jaw sockets. Thank you, Bhumi. And that's referred to as your thecodont. I will tell you a little bit of extra information if you open your copies, and it's very important in Mani Ma'am's class to have your copies open to take out all the extra information that I'm telling you. There is something which is called as acrodont. Please write it down. It's an AIIMS question, bachcho. Acrodont. Can you see that? Acrodont. This means that if this is your tooth, if this is your tooth, this is in the bone. Can you see it's in the bone? Aisa nahi hoga. अगर ये दांत है, इट विल बी ऑन द बोन, ये देखो ऐसे बोन के ऊपर, दिस इज एक्रोडोंट, देखिए, और ये थीको व्हेन इट इज एम्बेडेड इन द बोन। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट एवरीबॉडी? अफसर, अनुष्का, एलन वॉकर, संजना, सो ये दो वर्ड समझाने बहुत ज्यादा जरूरी है। I also told you that now I will discuss a case with you. It's a very beautiful case which I will discuss with you. बड़ा मजा आने वाला है, just stay tuned. मतलब आपको लगेगा ओलंपियाड लेवल की तैयारी हो रही है। अच्छा, कितने बच्चे जो ओलंपियाड भी देना चाहते हैं बताओ, है कोई बच्चे? मैम ओलंपियाड देना है, मैम स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, मैम एम्स पहली बार में निकालना है, मैम मतलब फील लानी है यार, ओलंपियाड ओलंपियाड हाई लेवल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवीपीवाई वगैरह देंगे, यस एवरीबॉडी, और नीट में टॉप लेवल एग्जाम्स। अब मैं आपको ना फिजियोलॉजी में ऐसी बायो की फील दूंगी, आपको लगेगा मैम मतलब बस नेक्स्ट लेवल फील आने वाली है, आप रुक जाओ। सो आउटरमोस्ट सब्सटेंस इनामल है, डेंटिन पल्प, पल्प इसके अंदर का लिविंग मटेरियल होता है। सी, दिस इज अ होल हियर, जिसको मैं अपाइकल फोरामेन कहती हूं, थ्रू विच द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स आर एंट्रिंग एंड गोइंग इनसाइड द पल्प,
राइट अब मैं थोड़ा इस पे फोकस करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. राइट ये कनाल जो रूट कनाल दिया था उस पर तो मैंने केस हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करनी ही है. चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक मुझे ब्लैंक पेज मिल रहा है. यस दिस इज अ ब्लैंक पेज व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर. यहां पर नीट और ओलंपियाड्स के लेवल के लिए आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई वांट योर अटेंशन. सो मान लीजिए दिस इज अ टूथ. करेक्ट राइट एवरीबॉडी. एंड दिस इज द बोन. एंड आई पेंट वेरी वेल. कभी टाइम हो तो मैं अपनी पेंटिंग्स आपको जरूर दिखाना चाहूंगी. कोई जमाना था जब मेरे पास बड़ा टाइम हुआ करता था. हम छोटे मोटे से टीचर हुआ करते थे. दो चार बच्चों को पढ़ाया करते थे. शुरू शुरू में विदा तो शुरू होने की बात थी. यस एक आधे बच्चे को बैठ के छोटी सी जगह पे पढ़ाते थे. विदा तो इतना बड़ा नहीं हुआ था. वी बायोटॉनिक तो था ही नहीं. वी बायोटॉनिक तो कहीं पे एक सेल फॉर्म था. राइट तो फ्री टाइम में बैठ के पेंटिंग बनाया करते थे. बड़े मजेदार दिन थे वो. एक या दो बच्चे थे हमारे पास. शुरू शुरू की बात है. तब तो कोई ये जो नए लोग हैं वेदांतों में ये थे भी नहीं. यस कितने सालों पुरानी बात है. सो तब आई यूज टू सिट एंड मेक पेंटिंग्स. कभी टाइम हो तो आई विल पोस्ट सम ऑफ माय पेंटिंग्स ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप. एंड आई विल शो यू आई हैव मेड पेंटिंग्स प्रोफेशनली ऑल्सो. यस पर उन दिनों की बात है जब वेदांत छोटा बच्चा था और वेदांतों में दो चार बच्चे थे. यस आ जाइए. तो ये हमारा टूथ है और ये होते हैं पेरिडोंटल फाइबर्स. पहले तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो. राइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये इसमें होते हैं. तो दैट मीन्स दिस स्पेस कैन बी कॉल्ड योर पेरियोडोंटल स्पेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको तीन या चार चीजें बताऊंगी अभी ऑन दिस डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट डाउन. द कवरिंग ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड सीमेंटम. सो आई एम गोना ट्राई टू डू दैट विद अ रेड कलर्ड पेन. सो दिस इज द रूट. द रूट इज कवर्ड विद अ मटीरियल विच इज कॉल्ड सीमेंटम. आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने रूट्स को कवर कर दिया विद अ मटीरियल कॉल्ड सीमेंटम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और सीमेंटम से आई हैव मेड द फाइबर्स कम आउट पेरिडोंटल स्पेस में. और इन फाइबर्स का नाम दे दिया है पेरिडोंटल फाइबर्स विच आर कनेक्टिंग द रूट टू द बोन. तो ये बोन है ग्रीन कलर की और ये मेरे फाइबर्स हैं. फाइबर्स ये रेड कलर की बोन है. राइट और ये ग्रीन कलर के फाइबर्स हैं. राइट एवरीबडी. कई बार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू सी अगर आपने ब्रिजेस देखे दिस इज लाइक अ सस्पेंशन. हैव यू सीन अ सस्पेंशन ब्रिज. राइट हैव यू सीन अ सस्पेंशन ब्रिज. कैसे देखो अगर आपने बांद्रा वर्ली सीलिंग के डायग्राम. सो हाउ दिस लाइक दिस इज देयर ब्रिज को हम कैसे सस्पेंड करते हैं. Suspend, right? So then when any pressure comes on the bridge, how those wires come down and up. See, human physiology has to be connected with everything which is there in the living world because that's how beautiful the body is. अगर आपको human physiology सिर्फ एक isolated incident की तरह पढ़नी है तो मेरी class में आने की जरूरत नहीं है. अगर आपको human physiology feel करनी है human body, you're most welcome to attend my classes. So this is just like a suspension. आप इसकी beauty समझो बच्चों और देखो देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल ब्यूटी. मान लीजिए अगर मैंने ये आपका बोन है. मान लीजिए ये बोन है और अगर मैंने टूथ को बोन के अंदर ऐसे बना दिया. मान लीजिए तो मैंने टूथ को बोन के अंदर ऐसे ज्वाइन कर दिया और मैंने किसी को बोला चलो तुम च्यू करो. प्लीज च्यू. सो डोंट यू थिंक द प्रेशर विल गो डायरेक्टली इन टू द बोन. Please understand physiology. Physiology means a functioning of the human body. I want you to develop that kind of skill set. Don't you think the pressure will go directly onto the bone and the bone will fracture? This fiber, this space will absorb that pressure. Just like a suspension bridge. It is not connected to the bone directly. It's going to absorb that pressure. Is it clear, everybody? रोज मेरा बर्थडे मनाते हैं. मुझे लगता है इनका एम है 100 साल का कर दो मैम को. और रोज बर्थडे मनाता है मेरा. यस चलिए आ जाइए. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव अ स्पेस टू एब्जॉर्ब द प्रेशर. दैट इज अ सस्पेंशन. अब एक चीज आपको और बता देती हूं यहां बड़ी इंपॉर्टेंट. ये जो फाइबर्स हैं फॉर मैच्योरेशन These fibers require vitamin C. और मुझे ना आज कमेंट्स में चाहिए कि मैम हमें कितनी फील आई. मुझे कमेंट में चाहिए
For maturation, these fibers require vitamin C, just like the collagen fibers of your skin. And let me tell you, these periodontal fibers are stronger than steel. They are very, very strong fibers of the human body. They are stronger than steel. So these fibers require vitamin C for maturation. Agar aapne inko vitamin C nahi diya, to ye immature honge. That means in a disease like scurvy, जब अल्सर्स होते हैं, जब विटामिन सी कम होता है, the teeth will also fall down. Did you understand? Feel आ रही है? Right? Thank you, दीपाली जी. The teeth will also fall down because they are not able to mature and take pressure. Last but not the least, which is very, very important from AIIMS and NEET point of view, अगर ये फाइबर यहां एक्सटेंड हो गया, देखो फाइबर तो इतना ही होना चाहिए, फाइबर ये रहा इतना, फाइबर ये रहा इतना. अगर ये फाइबर एक्सटेंड होकर बोन में चला गया या टूथ में चला गया, दिख रहा है आपको, एक्सटेंड कर दिया मैंने फाइबर को, थोड़ा लंबा है. आप अगर बिजली की तार लोगे, आपने उसको इतना काटने को बोला, उसने एक मीटर की बजाय आधा मीटर और काट दिया, दैट मीन्स अ फाइबर हैज एक्सटेंडेड. कैन यू टेल मी व्हाट कैन वी कॉल इट? कैन यू टेल मी व्हाट कैन वी कॉल द एक्सटेंडेड फाइबर्स? We call it the Sharpies Fibers 2020 batch. Very important for you. We call it the Sharpies Fiber. It's an MCQ question. So, cementum is an MCQ question. Periodontal space is an MCQ question. Sharpies Fiber is an MCQ question. Is it clear, everybody? And that's about it. Vitamin C scurvy is an MCQ question. Why don't you click a snapshot of it? Quickly, everybody on my screen, why don't you click a snapshot of it? Done? Fair enough? Nothing happened. The electricity went. That's it. So we have a backup which starts to make noise. Backup wants to feel very important, no? Usko bada maza aata hai apni importance dikhane mein. Toon 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 karke wo apni importance dikhata hai. Chaliye. So type of teeth. Agar sare daant ek jaise hai, usko homodont kehte hain. Hai na? If all the teeth are together, it's called as homodont. And newbies, jitne bhi newbies hai, welcome to the class. You are the batch of 2022. Yes, you are the batch of 2022. Welcome to my session. I'm Vani. I'm going to be teaching you biology or be biotonic. And this is your channel, our channel. Make sure, yaar, like to matlab, like, share, subscribe karna hai. Become a part of the channel every day, 5 o'clock. We meet for class. 11. तो अगर सारे दांत एक जैसे उसको होमोडोंट कहते हैं, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता. द टीथ विच आर सपोज टू ग्रैब द फूड आर कॉल्ड द इंसाइजर्स. द वंस विच आर मेंट टू टियर एंड शियर द फूड आर कॉल्ड केनाइन्स. देखो कितने शार्प है, बट दे आर नॉट सो शार्प इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स ईट कुक्ड फूड एंड दे डोंट टियर एंड शियर द फूड. च्यू करने के लिए होते हैं प्री मोलर्स एंड प्री मोलर्स. सो टू इंसाइजर्स, वन केनाइन, टू प्री मोलर्स एंड वन मोलर. डिफरेंस ये होता है कि छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं होते और बड़े बच्चों में प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं. चलिए, सो डाइफियोडोंट उसे कहते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है. डाइफियोडोंट डेंटिशन मीन्स टीथ अपियर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम. एक को हम मिल्क टीथ कहते हैं जो बचपन में है. इसमें मैं पीएमओ लिख रही हूं. पीएमओ का मतलब होता है प्री मोलर जीरो. सो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होगा टू इंसाइजर्स, वन केनाइन, जीरो प्री मोलर्स. आई हैव हाईलाइटेड इट एंड two molars, whereas permanent teeth are two, one, two, three. Two incisors, one canine, two premolars and three molars. Total 20 होते हैं क्योंकि premolars नहीं हैं. Premolars नहीं है, बड़ा important है. 6 to 7 years months of birth में develop हो जाते हैं. 6 years में तो molars आ जाते हैं. They are replaced by permanent teeth at the age of 6 to 7 years. Molars आ जाते हैं. Permanent teeth आपके 32 in number है. तो primary dentition होगा आपका incisors, one canine. देखो ऐसे divide करते हैं ना mouth को, बीच में ये दांत. तो 2102 2102 2102 2102 2123 आपके परमानेंट टीथ है. डन एवरीबडी, चले आगे. एनी डाउट्स? चलिए बढ़िया.
मैम हम 2020 वाले हर जगह आ जाते हैं आपकी क्लास अटेंड करने. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू नमीरा. चल तो ये रहा. और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द क्लासेस. अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड सिवियर पेन इन योर टूथ. सिवियर पेन इन योर टूथ सबको हुआ है. केस स्टडी है, बड़ा मजा आने वाला है. चलो जल्दी इंटरक्टिव बनाने केस स्टडी को और बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैड सिवियर पेन इन योर टूथ. कभी ना कभी बहुत ज्यादा नहीं. अब बेटा पेन क्यों होगा? मैंने तो आपको बोला कि जो आउटर मोस्ट सब्सटेंस है वो इनेमल है. लिख लो पहले, इनेमल आउटर मोस्ट सब्सटेंस है और इनेमल होता है डेड, नॉन लिविंग. इसमें कोई ब्लड सप्लाई, कोई नर्व, कुछ नहीं होगा. No. तो पेन का मतलब क्या हुआ? पेन का मतलब हुआ दैट द बैक्टीरिया हैज मेड अ होल इन द आउटर मोस्ट इनेमल. इनेमल में हो गया है छेद और इनेमल को तोड़कर वो पहुंच चुका है सेकेंड लेयर में, जिसे मैं कहती हूं डेंटिन. लिख लीजिए डेंटिन. सेकेंड लेयर तक पहुंच चुका है छेद करके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. कई बच्चों के मुझे मैसेज भी आ चुके हैं. एक तो मैं बन चुकी हूँ फैमिली डॉक्टर, बिकॉज बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, मैम ये हो गया. सो डेंटिन. बट बच्चों आप मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है ब्लीडिंग हुई है? ना, ना, पेन होती है पर ब्लीडिंग नहीं हुई है. पेन बहुत होती है, सेंसिटिविटी होती है, जिसको डॉक्टर्स झुनझुनाहट कहते हैं. देयर इज नो ब्लीडिंग. से यस और नो लेस. यस दैट मींस इनेमल हैज नो ब्लड. याद रखिएगा ब्लड नहीं होता इसमें. नो वेसल्स बट इसके पास नर्व्स होती हैं. नर्व्स. तो आपने टूथपेस्ट के बारे में सुना है, सेंसोडाइन. व्हाट डज दैट डू? इट कवर्स द नर्व्स, इट ब्लॉक्स द एक्शन पोटेंशियल. तो जब यहां तक इंफेक्शन आ जाए डेंटिन तक, तब पेन हो जाती है. और हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ अ थिंग कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट? या आपने सुना यार कैप करना पड़ेगा, कैप. ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. यस एवरीबॉडी, राइट. तो बेटा इसके बाद का जो पॉइंट है विच आई वॉन्ट टू मेक थ्रू दिस केस हिस्ट्री, जो इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ है, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था अराउंड 5 मिनट्स अगो, इज द पल्प विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. यस और नो? एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन why there is pain. So अगर डेंटिन से इंफेक्शन फाइनली पल्प तक पहुंच जाए, सबसे पहले इंफेक्शन आई इनेमल, फिर इंफेक्शन गई डेंटिन, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. इंफेक्शन अगर पल्प तक पहुंच जाए, दैट मींस देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ स्वेलिंग, अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट. यस और नो? है ना? देखो और ये तीनों चीजें तो हमें याद करनी है, बट बिकॉज मैंने केस हिस्ट्री डिस्कस कर दी आपको याद रखने के लिए, इट विल बी नो प्रॉब्लम विद यू. सो द आउटर मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नॉन लिविंग, इट इज डेड बिकॉज देयर आर नो वेसल्स, नो नर्व्स, इज इनेमल. After that we move to the dentin, jisme nerves hoti hai, which causes a jhunjhunahat. And after that we move to the pulp, which is coming inside. How are they coming? There is a hole here, a apical foramen, jisse blood vessels, nerve aa gaye andar. Blood vessels and nerves aa gaye and it's causing so much pain and discomfort. To beta, agar pulp tak infection pahunch gayi, so you will have to use a aerator, you will have to cut the tooth and remove the pulp, because the pulp has got diseased. The pulp has got diseased. You will have to remove it. Removal of the pulp is called the root canal therapy. Is that clear? Is it clear? अब तो नहीं भूलेगा कभी भी. Removal of the pulp is called the root canal therapy. This is the case study. अब बेटा आप में से कितने लोगों को डॉक्टर ने बोला अब इसके ऊपर एक कैप चढ़ानी पड़ेगी? And the cap is expensive. So, आप सोचो छोड़ो ना, क्या जरूरत है. डॉक्टर से अरे नहीं नहीं, यू विल हैव टू, बट यू विल नॉट लिसन, क्योंकि आप तो खुद ही डॉक्टर हो ना. बिकॉज नाउ टेल मी, इफ द ब्लड वेसल इज नॉट देयर, कैन बैक्टीरिया एंटर? कैन बैक्टीरिया एंटर? फाइट कौन करता था वापस? WBC. बट देर इज नो WBC बिकॉज देर इज नो ब्लड सप्लाई. सो इट कैन डैमेज, it can damage the tooth. There is no calcium because there is no blood supply. Is it clear? So that is the reason ki you need to protect it. You need to protect it with the help of a cap.
and fill this inner material also. Did you understand? So I hope the periodontal space, types of teeth, come back to the learning outcome. Come back to the learning outcome. That's why you need to cap. Come back to the learning outcome. So the first learning outcome, everything about dentition is crystal clear. Ab koi bhi question aa jaye dentition ka, we biotonians are going to rock it. Yes, everybody. Oh, Aishwarya. Clear? Hearts bana do chalo. Like, share, subscribe to karte nahi hai. Naughty bachche. One like, share, subscribe on my screen. Dentition learning outcome 100% solve. Aaj jaake you will open previous year questions and you will solve this entire thing. You will be able to solve all questions. Now I'm moving ahead to the elementary canal or to the oral cavity. So the first learning outcome is over, and then now we move ahead to the next level of learning outcome, where I'm coming to the elementary canal. Cool? Yes, let's go slow and steady. Let's rock the sessions. Koi jaldi nahi hai. कोई हमें ऐसा कुछ नहीं, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी. वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू फॉल इन लव विद बायोलॉजी. दैट्स द एम, राइट? ऐसा पढ़ना है कि यार हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को ऐसे सिखा दें कि यार आपने क्या पढ़ा इतने पैसे देके? पढ़ा तो हमने अभी बायोटॉनिक पे, यस और नो, राइट? इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार आप पेपर दो, मैं तो एमबीबीएस लेवल का, बीडीएस लेवल का पेपर सॉल्व कर दूंगी. यस आमन गैंग, चुन्नू मुन्नू गैंग. So that is the kind of level and confidence every wee biotonian should have, that yaar hum to kisi ko bhi padha denge, hum itna acha padhenge, itne detail mein padhenge, that we will make sure everybody, sab bachche hame bole, done, everybody aa jao. So this is such a beautiful diagram. There are two types of main, let's just go back to the first one. Now to main aapko itna awesome level ka padhane wali hu ki aap log, मतलब यू विल बी लाइक वाओ फीलिंग आ गई मैम, फीलिंग. यस, तो बेटा दो तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मेजर एंड माइनर. मेजर माइनर किस टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? दो. वन इज मेजर, ये दिखाई दे रहे कितने बड़े बड़े मेजर. इंडिया इज अ बिग कंट्री, कोई भी इंडिया से पंगा लेने से दो बार सोचेगा. इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, यस और नो? सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड एक छोटा सा कोई चुन्नू मुन्नू सलाइवरी ग्लैंड होगा कहीं पर, दैट्स कॉल्ड द माइनर. Minor are all over the mouth, lips main, tongue main, lip, everywhere. But major are big. So, yahan par, outside the ear, you have a major salivary gland. Here, below the tongue, you have a major salivary gland. And here, at the angle of the mouth. Is it clear? Yahan pe, at the angle of the mouth, below the tongue, in front of the ear, you have three major salivary glands, which you call the parotid. Below the mandible, you have the submandibular. And below the tongue, you have the sublingual salivary gland. Is it clear? Yes, everybody, done, आ जाइए. So parotid gland है, sublingual है और submandibular है. 21 जून को दुनिया खत्म होने वाली, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं. अगर ना खत्म हुई ना 21 जून को, तो 22 जून को आप क्लास में आना नहीं है ना, ठीक है? अगर ना खत्म हुई 21 जून को, तो 22 जून को क्लास में आना नहीं, ठीक है? Is it clear? चलिए आ जाइए, ठीक है? खत्म अगर ना हुई, फिर हो गई तो फिर तो ऑसम, फिर अगली जगह चल के क्लास दे लेंगे. उसमें क्या है, कहीं तो जाएंगे ही, आप और मैं साथ में चलेंगे, वहां ले जाएंगे मेंटी को भी अपने साथ, इस बोर्ड को उठाएंगे और ले जाएंगे, वहां बैठ के क्लास ले लेंगे. ऑसम है, कुछ देखेंगे, कोई नई जगह, कोई नया प्लैनेट ढूंढेंगे, राइट? पढ़ना तो छोड़ेंगे ही नहीं, राइट? तो फिर तो और भी बढ़िया है, मतलब मजेदार. पर अगर ना हुई तो आप क्लास में मत आना. क्या कहते हैं बच्चों? यस, देखेंगे कुछ, मतलब एक आधा कोई अप्सरा अप्सरा भी हमारी क्लास में आ जाएंगे, ऑसम ही हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल अमेजिंग हो जाएगा, है ना? चलिए आ जाइए, 21 जून को खत्म होने वाली है दुनिया के लोगों के लिए. आइए, सलाइवरी ग्लैंड डिलीवर सलाइवा टू लुब्रिकेट द फूड, टू मेक इट मॉइस्ट, टू मेक इट सॉफ्ट, सो दैट वी आर इजिली एबल टू च्यू इट, राइट एवरीबॉडी? यस, आ जाइए. टीथ च्यू करते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया. टीथ का च्यू करने को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. मैंने आपको तीन बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स बताए, पैरोटिड व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द ईयर, सबमैंडिबुलर व्हिच इज बिलो द मैंडिबल, सबलिंगुअल व्हिच इज बिलो द टंग. दिस इज द बिगेस्ट. कई बार इसमें इंफेक्शन हो जाती है तो आदमी ऐसा दिखता है, बिकॉज इट्स सलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स. द टंग शेप्स द फूड, एक टंग होती है, shapes the food into a bolus and provides help with swallowing. That's called as deglutition.
Right, everybody? Tongue provides help with swallowing, which is called as deglutition. Oral cavity leads into a short pharynx, which serves. अब यहाँ से खाना जाएगा pharynx में. और मैंने कल आपको बताया था oropharynx होगा. इस जगह पे oropharynx होगा. Right, food and air यहीं पे होगा. Esophagus and trachea open into the pharynx. अब ये तो बड़ा boring है. ये तो आपको सारे teacher ऐसे पढ़ाएंगे. वी बायोटॉनिक पे फील लेनी है आज पढ़ाई की? लेनी है या नहीं लेनी है? फील येस और नो? यस, रेज योर हैंड्स दोज ऑफ यू वांट टू गेट द फील ऑफ द माउथ. मतलब क्या क्या पढ़ा दिया, ऐसा हो जाए कि ये तो कभी कॉन्सेप्ट भूलेगा ही नहीं. डन, चलो आ जाओ. फील लेनी है तो बेटा पढ़ाई तो तभी होगी जब एकदम फील लेके पढ़ाई होगी. ओके, आज क्लास के बाद अगर आप लोग अभी एक मिरर के साथ बैठ सकते हो तो ऑसम है, नहीं बैठ सकते मिरर के साथ तो ठीक है, आप क्लास के बाद जाके मिरर ले लेना. पर अब जस्ट 5-10 मिनट्स, आई वांट योर अटेंशन हियर इन माय क्लास एंड एंजॉय, जस्ट एंजॉय व्हाट आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू. सो हियर वी गो. करेक्ट, एंड आई कैन प्रॉमिस, ये मैंने खुद पढ़ाने का तरीका बनाया जिसमें पर्सनल पेडागॉजी, आई यूज इट इन माय paid classes. I'm going to be first time using it on YouTube, but this is my personal pedagogy which I use all on my paid classes. I've not seen it here, I've never heard it anywhere, and you can search the entire internet. This is my open challenge to you. If you can see the same explanation which I can give it to you, yes, the same explanation jo main aapko de rahi hu, you can, because this is my own experience and my own way of teaching which I'm going to be showing you now. So ye raha aapka palette. अगर आप पैलेट के इस एरिया को जूम करोगे ना, इस एरिया को जूम करो पैलेट के, एंड आई वांट यू टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डू इट. यू जूम दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर हार्ट पैलेट. दिस इज योर हार्ट पैलेट. और कल आपको याद होगा, या आपको कहीं पे इंटरनेट में अगर मिल गया ऐसा एक्सप्लेनेशन, सो आई प्रॉमिस आई स्टॉप टीचिंग, बिकॉज मैंने ये अपने आप पेडागॉजी बनाई है पढ़ाने की. और ये आपकी टंग है यहाँ, एंड कल मैंने आपको टंग में पैपिला बताया है. पैपिला, अब सारे टीचर्स या सब लोग एक वर्ड बोलते थे माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है टीथ का, तो बोलस कैसे बनता है यार, कैसे टंग बोलस बनाती है? हाउ डज द टंग मेक बोलस? एंड पीपल हु डोंट हैव अ टंग, व्हाई डू दे हैव प्रॉब्लम्स इन ईटिंग फूड? क्यों उनको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब देनी पड़ती है? That is what I told you. I will give you the feel. 40% of your syllabus of class 11th is physiology, neat. I will give you a feeling. So kya hoga? So tongue mein maine papilla bana diye. Ye meri tongue hai, isme papilla bana diya. Now I want you to stand in front of the mirror and see your hard palate. So once you zoom into your hard palate, please go and stand in front of the mirror and see your hard palate. You will see one dot like this, which is called the incisive papilla. You will see it. I can promise it to you. All that you have to do is in the comment section after the class, tell me, Vani ma'am, we saw the incisive papilla. You will see a line behind the incisive papilla and you will see lines like these. Exactly like this, you will be able to see, which are called the palatine rugae. These are rough areas. Why should it be rough? Kyun rough hota hai hard palate aur soft hota hai? Soft palate soft. Kyun? Kabhi kisi ne bola? Kisi ne bataya? Hard palate hard hota hai. Aray, kyun hard hota hai? Aapne poochha nahi, unhone bataya nahi. सॉफ्ट पैलेट क्यों सॉफ्ट होता है और हार्ड पैलेट क्यों हार्ड होता है? आपने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं. अब बेटा जी, अगर आप कभी भी ध्यान दोगे मिक्सर और ग्राइंडर पे, तो आपने मिक्सर और ग्राइंडर के जार के अंदर ये देखा है कि देयर आर रफ, ऐसा स्टील का ब्लेड होता है, रफ ब्लेड, कभी देखा है मिक्सर ग्राइंडर के जार के अंदर? और नीचे जहां पे जिस मिक्सी के ऊपर हम उसको फिट करते हैं, जिस मिक्सी में आई एम फिटिंग इट, वहां भी कुछ ऐसा ऐसा होता है. तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, एंड देन यू प्रेस अ बटन हियर एंड इट रोटेट्स ब्लेड्स. हैव यू सीन? नाउ इफ आई टेल यू, यस इफ आई टेल यू दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग इज इन अ ह्यूमन बॉडी, यू विल बी सो सरप्राइज्ड. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज इन द ह्यूमन बॉडी. आई ओप्स, कैन आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज? Don't do this. Where is my previous beautiful slide? Shit. Oh, never mind. Good Lord. Never mind. I'll draw it again for you. Never mind. Now, if I tell you, never mind. If I tell you that you need to swallow, never mind. If I tell you that you need to swallow, if I tell you, by the way, this is like
my trade secret going out, because this is how I teach. This is exactly how I teach. So this is my trade secret going out. If I ask you to swallow, would you do that, please? Swallow. Please swallow. Do that. Because this is how I had imagined I will teach you physiology. I will take it to a beautiful, magical world of the human body. I will give you the feel of being a doctor. Swallow. Is your tongue touching the palate? Is there anybody who can say, ma'am, my tongue is not touching the palate? When you swallow, does your tongue go and touch your palate? I want 100% yes. Start making hearts there for me, please. Does your tongue touch your palate? And tomorrow when I teach you stomach and intestine, I promise to take you to another level. Every single one of you, you can never swallow without your tongue touching your palate. It's not possible. It's not possible. It's not possible. It's not possible. Your palate has got these roughness, which I've talked about. Your palate has got these roughness. And you know, yesterday we did the tongue with a filiform papilla. Ab ye socho, what is the marvelous creation of nature? The filiform papilla has no buds. Kisi ne bataya nahi, aapne pucha nahi. Isme buds nahi hai. To yaha par rough hai. Aur niche rough hai. To jab dono aapas mein ek dusre se ragdenge, will this action be something similar to a mortar and pestle? Will this action be similar to a mortar and pestle? Will it be like beautiful grinding will take place? Yes or no on my screen, please. Yes. And that. You know, when you have to make a chutney, you've helped your parents in the kitchen. How many times have you added little water because it's not going like that? Have you added little water and sometimes your mother will come and give you one patak because the water you added was more? Yes or no? How many times have you added some water to check whether it's fine or not? So who is that water? Human body is the miracle of the 21st century in nature. I will unleash this miracle in front of you. Saliva, roughness of the tongue, and mortar and pestle. Agar paise actually dekha jaye na, 3D, 4D, 5D, 10D chahiye hi nahi. Storytelling chahiye, imagination chahiye, aap jaise bacche chahiye, teacher chahiye jisko padhana hai. Isme koi kam imagination hui hai aapki? Ek screen, ek pen. कौन सा 3D दिखा दिया मैंने, क्या 5D, 4D, 10D दिखा दिया मैंने, बताओ? Yes or no? Yes, everybody. So this is exactly what happens every single time in the beautiful human body that you do. You got my point? Pungulu, Akanksha, Kirti, this is what happens. I tell you something even more beautiful. Ready? यार पर एक चीज है, आप लोग तैयार हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, वरना तो मैं दूसरे सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाती चलूं. बताओ, जैसे बाकी सब लोग पढ़ाते हैं लिखा पढ़ाया वैसे पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हाउ यू वॉन्ट टू स्टडी कुमकुम अलका, ऐसे पढ़ना है या वैसे अंडरलाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अंडरलाइन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है बताओ? ऐसे पढ़ना है. टाइम है, अभी 2 साल है, अच्छे से पढ़ेंगे और ये कभी नहीं भूलेगा. नाउ यू विल नेवर फॉरगेट फ्रूगे, यू विल नेवर फॉरगेट फिलिपॉम पैपिले, यू विल नेवर फॉरगेट बोलस, यू विल नेवर फॉरगेट सलाइवा. डन. एंड ऑब्वियसली स्वॉलोइंग. डन. ऐसे पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी लाइक दिस. परफेक्ट. एक चीज और बताती फिर मैं आपको, चलो इसको करते हैं बंद. और एक चीज और देखो, सुनो, जस्ट लिसन टू मी. एवरी टाइम यू स्वॉलो, टेढ़ा बन गया ना नाक, थोड़ा सुंदर नाक बनाते हैं, क्यों दुखी करना है इसे. चलिए तो एक अच्छा सा नाक बना दो, नाइस प्यारा छोटा सा. आप ये तो मोटा सा बन गया, सुंदर सा नाक, बेटर. ठीक है. एवरी टाइम यू स्वॉलो द टंग विल कम एंड हिट हियर. सो द टंग विल कम एंड हिट हियर. Every time we swallow, because the tongue comes and hits here, can the air enter? Can any air enter? I am
फिजिक्स है यहाँ, सोचो तो सही. रीड अबाउट इट, रीड सम पीएचडी लेवल बुक्स, यू विल बी सरप्राइज्ड इट हाउ मच इज इट. नो एंड एवरी टाइम आप ऐसा करो, आपका एकदम से ना एक जस्ट डू दिस, टच योर टंग टू द पैलेट, देयर विल बी अ काइंड ऑफ सक्शन प्रेशर व्हिच इज क्रिएटेड एट द बैक. माइंड यू विल फील इट. टच योर टंग टू द पैलेट फॉर लॉन्गर टाइम. सो हियर देयर इज अ सक्शन प्रेशर ऑफ -10 प्रेशर वैल्यू which is created tuskers, which will be sucking the food inside. It is the one, the vacuum pressure. A vacuum pressure every time. This is the first stage of deglutition. The moment you compress it and you hit it on top of the palate, this is a suction pressure created, and immediately, this is the last stage of voluntary. जैसे ही सक्शन प्रेशर लगता है ना, दिस इज सो ब्यूटिफुल. जैसे ही सक्शन प्रेशर लगेगा, वॉलंट्री कन्वर्ट हो जाएगा इनवॉलंट्री में. वॉलंट्री, और इसके बाद की सारा प्रोसेस इज इनवॉलंट्री. डिड यू गेट इट? इसके बाद का सारा प्रोसेस इज इनवॉलंट्री. यार अभी तो शुरू नहीं हुआ फिजियो, तो आधा पेज कराया फिजियो में, देखते जाओ फिजियो और जेनेटिक्स, जिसमें तुम लोग आ नहीं रहे. जेनेटिक्स की भी फर्स्ट क्लास है. फील क्या, यू विल बी लाइक यार मैम रट गया, बिना पढ़े रट गया. चले आगे, वन मोर पेज है. मुझे चाहिए नहीं, आई डोंट वांट कंटेंट. मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी, मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ. बच्चे कहते हैं मैम नहीं चाहिए कॉन्टेंट, आप अपने आप पढ़ाओ, जैसे आप पढ़ाते हो अपने माइंड मैप्स बनाओ. So this is what I'm going to be teaching you in every single day in physiology. Done. Thoda sa aur padhati hu, 2 minutes, and then we move on to mentee quiz. Done. Baki hum kal karenge. Theek hai? Yes, everyone. Baki hum kal karenge. Thoda sa padhati aur. To yahan se chala gaya. Finally. Theek hai? Yahan tak hi pahunche. Chalo. Yahan tak bhi nahi. Kyun? Wahan. Yahan tak aa gaye hum. To ye khana thoda sa yahan tak jaane laga. Theek hai? Ab yahan pe na. इस एरिया में और सिंपल करते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, उनके रूडिमेंट्री बेसिक्स पर जाते हैं. तो यहां पर अगर मैं अंदर जाऊं, यहां मुझे दो ओपनिंग मिलेंगी ऐसे बैक टू बैक. ठीक है, सामने जो है वो एंटीरियर है, लैरिंग्स वगैरह होगा एंटीरियर. पीछे इसके ये मैंने इतना बड़ा नेक बनाया, नेक है ये, नेक कितना बड़ा नेक बनाया मैंने. देखो ये पीछे बैक एरिया, तो यहां पर ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम होगा, वर्टिब्रल कॉलम बना देते हैं वर्टिब्रल. ये मैंने वर्टिब्रा बनाया है, और ये सामने आपका लैरिंग्स वगैरह है. देखो लैरिंग्स, नेक बनाया मैंने के. और नेक पे यहां दो ओपनिंग्स बनाओ. यस, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना सिंप्लीफाई दैट यू विल बी लाइक यार ये क्या इतना. तो बेटा आप याद रखना, कई लोग होते हैं दे ईट अ लॉट, कई लोग होते हैं आदत होती है अच्छा खाना पसंद है, उसमें क्या बुराई थोड़ी ना है, कोई चुगली थोड़ी ना कर रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, खाना खा रहे खाने तो बहुत अच्छी बात है. तो जो लोग बहुत ईट करते हैं ना, उनको ग्लटन कहते हैं. ग्लटन, दैट्स अ वर्ड फॉर देम, दे आर कॉल्ड एज ग्लटन, राइट? ये इंग्लिश वर्ड है. पीपल हू ईट अ लॉट आर कॉल्ड ग्लटन. इजी वे टू रिमेंबर. सो ग्लटन वर्ड से ना आप मिलता जुलता एक और वर्ड बताऊंगी, सो दैट यू नेवर हैव अ प्रॉब्लम. आपको याद करना ही ना पड़े, आपको एकदम सबकॉन्शियसली याद हो जाए. ग्लटन वर्ड से एक वर्ड है गलेट, वो याद रखना. गलेट, ये वर्ड याद रखना, मतलब समवेयर जब भी वर्ड गलेट आया, ईट तो फूड ही करेंगे ना, तो मतलब ये फूड से लिंक्ड वर्ड है. और ये वाणी मैम की एनालॉजी याद रखना, सो दैट यू रिमेंबर इट. सिंपल सी बात है, इट्स एन इंग्लिश वर्ड गलेट, which is related to food, which ma'am said is related to word called glutton. Gluttony is anybody who eats a lot. So gluttony, gullet, easy word. Ma'am said this is a biological word. This is a bio word, definitely. And this is an English word. I've told you a very easy way to remember it. Very, very easy way to remember it. Right. Now, if you see, this is towards the anterior and this is towards the posterior. Yes, ma'am. Obviously, एक आगे को एक पीछे. और आगे की तरफ यहां पर मैंने एक फ्लैप बना दिया है. फ्लैप. और ये फ्लैप कैसे जाएगा पता है? ऐसे
और फाइनली ऐसे। मतलब ये फ्लैप ऐसे, ये तो ओपनिंग है। लीव शेप का फ्लैप है, देखो लीव शेप का फ्लैप है। क्लियर? लीव, इस फ्लैप का नाम रख दूं मैं एपिग्लॉटिस, ये तो याद रहेगा। एपी का मतलब होता है ऑन टॉप, ऑन टॉप। इसका मतलब होता है ग्लॉटिस ही, तो ये ऑन टॉप ऑफ ग्लॉटिस है, तो ये कौन हुआ? ग्लॉटिस, क्योंकि ये तो ऑन टॉप ऑफ ग्लॉटिस हुआ। इस ओपनिंग को कह दो ग्लॉटिस, फ्लैप को कह दो एपिग्लॉटिस। आज तक कंफ्यूजन था, कितने बच्चों का था बता दो। कल आपके उवुला का कंफ्यूजन गया, आज आपके अभी तक क्या है एपिग्लॉटिस, कहां होगा, क्यों, आज तक कंफ्यूजन था, अभी फील आ रही है आज क्लास में। ये आपका अगर ग्लॉटिस है तो इसको एपिग्लॉटिस कह दो, अगर इसको ग्लॉटिस कहोगे तो इसको एपिग्लॉटिस कह दो। कितनी सिंपल सी बात है। यस और नो, इफ दिस इज योर ग्लॉटिस इट विल बी कवर्ड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। इट इज द सिंपलेस्ट थिंग ऑन अर्थ एंड ऑब्वियसली द एयर शुड एंटर इनसाइड एंड ऑब्वियसली लुक एट दिस ब्यूटिफुल थिंग विच आई एम गोइंग टू बी मेकिंग, द फूड शुड गो एंड कम हियर। तो इसके ऊपर से स्लाइड करना चाहिए, तो जब ये बंद होगा, जब ये बंद होगा ऐसे, बंद कर दिया मैंने इसको, तो खाना तो ऊपर से स्लाइड कर ही जाएगा ना, खाना तो ऊपर से स्लाइड करके यहां आ जाएगा। गोल्ड क्लियर। एंटीरियर मींस इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के आगे का साइड। पोस्टीरियर मींस बिहाइंड द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ? तो जब मैंने इसको फ्लैप को बंद किया, खाना तो इसको कहेंगे डेग्लूटेशन, डेग्लूटेशन स्वॉलोइंग का साइंटिफिक नाम है, एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है, और खाना तो करेगा स्लाइड, और जिसमें खाना जाएगा उसको कह दो गलेट, जिसमें एयर जाएगी उसको कह दो ग्लॉटिस, इज द ओपनिंग ऑफ द एयर। यस, सो सिंपल, बनाओ स्नैपशॉट लो। अब इसमें बताओ कौन सा 4D, 5D, 10D है जो क्लियर नहीं हुआ है? यस, विच 4D, 5D, 10D, 20D, 30D, क्या क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर। मैं तो हमेशा कहती हूं टीचर के हाथ में कलम चाहिए और एक बर्गर का पेड़ चाहिए, उसके नीचे बैठ के टीचर पढ़ा देगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, टुडे इज द बेस्ट नो। क्लियर? स्वॉलोइंग, देखिए स्वॉलोइंग यहां होगी, इनहलेशन आर स्वॉलोइंग, और यहां से एयर, एयर ग्रीन पेन से, ये देखो जब ये फ्लैप खुलेगा तब। और अब देखो, हमेशा से सुनते हैं और नाइन टेंथ में सुना है, बोथ कांट हैपन टुगेदर, बोथ कांट हैपन टुगेदर, बोथ। अरे ये जब बंद है तो बोथ कैसे हो जाएंगे? फील करो ना, जब ये बंद है तो बोथ कैसे हो जाएंगे? या स्वॉलोइंग होगा, डेग्लूटेशन करते हुए स्वॉलोइंग नहीं होगा क्योंकि ये बंद है, इसीलिए दोनों नहीं हो सकते साथ में। आपने पढ़ा है, अब फील कर लिया आपने, पढ़ा तो है पर फील आज किया, जब ये मैंने बंद कर दिया तो हाउ विल द एयर एंटर इनसाइड, बता दो आप मुझे, यस और नो? यस एवरीवन, मेंटी तो मैं आज नहीं लूंगी क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, मेंटी कहां से ले लूं जब कुछ पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाएंगे तो कल, टाइम हो गया है क्लास क्योंकि 6 बजे दूसरी क्लास शुरू है, पर आज तो मुझे फील आ गई और मेंटी वेंटी पे ना हो सेंटी, पढ़ाई में ध्यान दे दो और उसी पे अकेले हो। फील आई? यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच आई ड्रू फॉर यू टुडे, ऑल द माइंड मैप्स, एवरीथिंग विच आई ड्रू फॉर यू, डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई डिड नॉट टीच यू एनीथिंग, आई डिड नॉट इवन टीच यू एनीथिंग टुडे। सी हाउ द फ्लैप क्लोजेस, एंड देखो पीछे, नाउ कैन यू फील एंटीरियर पोस्टीरियर? आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील एंटीरियर पोस्टीरियर,
पर ये भी समझ में नहीं आता अगर मैं डायग्राम ना बनाती. सी दिस इज एंटीरियर दैट इज पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर फूड इज गोइंग इनटू द पोस्टीरियर. डिड यू अंडरस्टैंड मेंटी कल होगा बच्चों बिकॉज आज मैम ने पढ़ाया नहीं तो मैम मेंटी कैसे ले ले. देखो और ये ऊपर को जाता है खाना खाते हो इसको बंद करना है. देखो फ्लैप एपिग्लॉटिस फ्लैप देखो और ये देखो पोस्टीरियर पे क्या एंटीरियर इज एम्प्टी. Did you understand? I want hearts, I want likes, I want shares, I want subscribes, I want you to feel. Yes? Done everybody! अब मेंटी कल करे बिकॉज बेटा आज तो मेंटी बच गया है. मेंटी पे मैंने बड़े अमेजिंग क्वेश्चन बनाए हैं फैरिंग्स पे तो मेंटी होगा कल. आज आप वानी मैम को जाने दीजिए ठीक है प्लीज. मेरा क्लास है 6 बजे तो आज मैं चली हम कल मिलेंगे और कल मैं मेंटी कराऊंगी ठीक है. इतनी जिद नहीं करते मैम को बोलते मैम बाय प्यार से बाय बोलो चलो क्योंकि वानी मैम की 6 बजे क्लास है तो मैं अपनी दूसरी क्लास लोड करूंगी. चलो प्यार से बोलो बाय मैम. यस गुड अच्छे बच्चों की तरह प्यार से बाय हाथ बना के करो बाय और वी विल स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल इन टुमारो सेशन डन. सो कल के सेशन में और ज्यादा फील के लिए तैयार हो जाइए. टुमारो आई विल डू 10 questions विद यू ठीक है डन ओके. मजा आया यस एवरीबडी. आई वॉन्ट टू हियर वन कॉमेंट ऑन द सेक्शन की आज की क्लास कैसी लगी आपको. उसके लिए एक कॉमेंट तो आपको डालना पड़ेगा मेन कॉमेंट सेक्शन बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. आप जब कुछ अच्छा लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनकर. सो वन प्यारा सा कमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन सेइंग हाउ वाज़ द क्लास. आई हैव अ क्लास एट 6 o'clock सो आई हैव टू गो. यस बाय सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस. मुझे बड़ा मजा आया आज पढ़ा के. I enjoyed myself thoroughly. See you. I hope you also can say the same and you learned quite a lot. I will see you in the next class. Bye bye.